द प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते, मैं हूं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं पेज टर्नर, एक ऐसी सीरीज जहां हम किताबों और किस्से कहानियों की बात करते हैं। लेकिन इस बार की किताब थोड़ी सी अलग है। किताब के बारे में बात करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, जब आप ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? यही कुछ शब्द जैसे ब्लेमिंग या फिर बैकस्टैबिंग या फिर फेवरेटिज्म या फिर जेलेसी, मतलब कुल मिलाकर एक नेगेटिव इमेज ही बनकर सामने आती है। लेकिन ऐसा है कि आप ऑफिस पॉलिटिक्स को पसंद करो या ना करो, ऑफिस पॉलिटिक्स आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत पसंद करती है। मतलब कि अगर वो ना पसंद करेगी तो आपका प्रोफेशनली नुकसान भी हो सकता है। प्रोफेशनल सक्सेस या ग्रोथ सिर्फ मेरिट पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ये इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप में लोगों के दिमाग को पढ़ने और उनके मोटिव्स को पहचानने की कितनी क्षमता है। तो जब कॉरपोरेट जर्नी की प्रोग्रेस का एक बड़ा हिस्सा पॉलिटिक्स में एक्सेल करने की बात से तय होता है, तो ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आप इस ऑफिस पॉलिटिक्स में अपने मूल्यों और एथिक्स से कोई समझौता किए बिना इसमें एक्सेल कर जाएं। और इसी कंसेप्ट के बारे में बात करती है आज की हमारी नई किताब। किताब का नाम है चेकमेट ऑफिस पॉलिटिक्स। इसे लिखा है भावना दलाल ने। किताब के बारे में जानने से पहले हम ऑथर के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। भावना दलाल टैलेंट पावर पार्टनर्स नाम की एक लीडिंग डेवलपमेंट कंसल्टिंग कंपनी की सीईओ है। मुंबई से उन्होंने इंजीनियरिंग की थी और फिर कलकत्ता से उन्होंने एमबीए की थी। अमेरिका, साउथ अफ्रीका और इंडिया में काम करने का 25 साल का उन्हें अनुभव है। अपनी इस किताब में भावना सिंपल और प्रैक्टिकल एडवाइस देती हैं कि आप कॉरपोरेट कॉरिडोर्स में आसानी से नेविगेट कर सकें। जब कोरोना महामारी के चक्कर में कॉरपोरेट हाउसेस से नौकरियां जा रही हैं तो आपको ये किताब पढ़ना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ का जो वेलबींग है वो प्रोफेशनल लाइफ की पॉलिटिक्स बहुत हद तक तय करती है। आप ये कहकर भी पीछा नहीं छुड़ा सकते कि मुझे तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है ही नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स का तो आप में बहुत इंटरेस्ट है, फिर वो चाहे स्टेट की पॉलिटिक्स हो, दफ्तर की पॉलिटिक्स हो या फिर आपसी रिश्तों की। तो ऐसे में एक पॉलिटिकिंग जो टूल है वो आना बहुत ज़रूरी है। भावना आपसे सवाल पूछती हैं कि आपने कई सारे ऐसे घटनाक्रम सुने होंगे जब आपके किसी रिश्तेदार या फिर दोस्त मित्र के टैलेंटेड और हार्डवर्किंग होने के बाद भी उनका जो करियर है वो कोलैप्स कर गया, क्योंकि उसे ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं। इसलिए भावना का कहना है कि इसे समझना ज़्यादा ज़रूरी है और इसे बायकॉट करने की बजाय इसमें पार्टिसिपेट करना भी उतना ही ज़रूरी है। भावना अपनी किताब में 5 फंडामेंटल रूल बताती हैं जो आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई करने हैं। तो रूल नंबर 1 है कम्युनिकेशन। मतलब आप जितना अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर, अपने और अपने कोवर्कर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस को भी कम कर देंगे। दूसरा रूल है कमिटमेंट। आपको अपने गोल्स तैयार करने पड़ेंगे और उनके लिए कमिटमेंट भी दिखानी होगी, तभी आप रिजल्ट्स तक लीड कर सकेंगे। तीसरा रूल है केयर। अपने साथ काम करने वालों के लिए केयर भी दिखानी चाहिए, ना सिर्फ बोलकर बल्कि अपने एक्शंस के जरिए भी। जैसे कभी उनकी प्रेजेंटेशन में आइडिया पिच करने में मदद कर देना या फिर किसी के लिए कॉफ़ी ला देना। अगर किसी का बच्चा बीमार है तो आप उनके प्रोजेक्ट की डेडलाइन में भी उनकी मदद कर सकते हैं। चौथा रूल है कनेक्शन। हर इंसान कनेक्शन खोजता है। हम एक दूसरे से बेहद अलग हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम एक दूसरे के लिए कनेक्शन ढूंढते हैं, और ये कनेक्शन ही है जो हमारे कोवर्कर्स के बीच एक जेन्युइन रिश्ता स्थापित करता है। आखिरी है ट्रस्ट। ट्रस्ट यानी विश्वास। इसको लेकर भावना कहती हैं कि जैसे आइसक्रीम में क्रीम बेहद ज़रूरी है, वैसे ही ह्यूमन रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट यानी विश्वास बेहद ज़रूरी है। कुछ लोग मानते हैं कि विश्वास को कई सालों की मेहनत के बाद ही जीता जा सकता है, लेकिन भावना ऐसा नहीं मानती। वो कहती हैं कि ये कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, बल्कि ये ऑनगोइंग कमिटमेंट है जिसे आप कभी भी हासिल कर सकते हैं। इस किताब में एक जो ज़रूरी बात है वो है शब्दावली। आपकी वोकैबुलरी कैसी है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी शब्दावली नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। आप अपने रिएक्शंस के लिए भी किन शब्दों का चयन करते हैं वो भी ज़रूरी है। जैसे भावना का कहना है कि आप कभी भी अपने वाक्य इन लाइनों से शुरू ना करें। आई कैन नॉट डू दैट, इट्स नॉट फेयर, बट वी हैव ऑलवेज डन इट दैट वे, इट्स नॉट माई फॉल्ट। हिंदी में बात करेंगे तो आप इन वाक्यों को ऐसे शुरू ना करें, मैं ये नहीं कर सकता या कर सकती, या फिर ये सही नहीं है, या फिर ये भी,
कि हम तो ऐसा कभी करते ही नहीं थे, यार इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सारे वाक्य आपके बारे में बायस बनाते हैं कि आप रिजिड हैं और कुछ नया नहीं सीखना चाहते। इसलिए सही शब्दावली होना बेहद ज़रूरी है। फिर भावना आ जाती है बायसेस पर। जो बायसेस होते हैं उनको कैसे चैलेंज करें? दो तरीके के बायसेस होते हैं, कॉन्शियस बायस और अनकॉन्शियस बायस। ये कई बार जेंडर, कास्ट, क्लास, रिलीजन और रीजन से भी पैदा हो जाते हैं। पॉलिटिक्स इन दोनों ही बायसेस से फलती फूलती हैं। भावना ये भी लिखती हैं कि आपको इन दोनों तरीके के बायसेस को रिकग्नाइज करना होगा। अपने बारे में अजम्पशंस और मिथ्स को भी तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके बारे में लिए जा रहे हर निर्णय को प्रभावित करते हैं। कॉन्शियस बायसेस को पहचानना तो बड़ा आसान है, मगर जो अनकॉन्शियस बायसेस हैं उनको पहचानना ट्रिकी है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आपके खिलाफ ही बायसेस पैदा होते हैं, बल्कि आपके मन में भी दूसरों के लिए कई तरीके के बायसेस हैं। तो खुद के बायसेस को दूर करना भी उतना ही चैलेंजिंग है, क्योंकि दुनिया अब ग्लोबल हुई है, आपके कॉरपोरेट दफ्तर भी डाइवर्स हुए हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अनकॉन्शियस बायसेस आपके लिए खराबी हों। कई बार ये एक इवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स होता है जो आदमी खतरे को देखते हुए अपने मन में बना लेता है। लेकिन मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी और रिजल्ट एट वर्क के लिए इन्हें लगातार चैलेंज करना होगा। एक और ज़रूरी बात भावना लिखती हैं, वो है इमोशनल मास्टरी। और ये हम में से बहुत सारे लोग महसूस भी करते होंगे। टॉन्ट्रम्स, मेल्टडाउन्स या फिर जो इमोशनल आउटबर्स्ट है, वो सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये भावना बड़े लोग भी अनुभव करते हैं। भावना अपने क्लाइंट्स के अनुभवों से बताती हैं कि वो दफ्तर में तो कूल रहते हैं, लेकिन घर आकर अपना सारा टेंपर लूज कर देते हैं। ये सवाल उन्हें खुद ही परेशान भी करता है कि अपनी ज़िंदगी के इतने ज़रूरी लोगों पर बिना मतलब गुस्सा क्यों निकाला। लेकिन ये जो एक्सट्रीम गुस्सा है, ये वर्क प्लेस के उन माइल्ड एक्सप्रेशंस को सप्रेस करने का नतीजा है जो हम घर पर निकालते हैं। तो फिर इसकी कैजुअलिटीज़ क्या होती हैं? ब्रोकन रिलेशनशिप, गेटिंग फायर्ड, या फिर कई बार अपनी ही रेपुटेशन पर काला धब्बा लगवा लेना। अगर आप सीईओ और एंगर कीवर्ड्स को गूगल करेंगे तो आपको सैकड़ों ऐसे आर्टिकल मिलेंगे जब सीईओज ने अपना टेंपर लूज कर दिया। कई बार उनके पक्ष में भी होता है और कई बार उनके विपक्ष में भी। ऐसे ही बहुत सारी बातें जानने के लिए आपको भावना की ये किताब पढ़नी पड़ेगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये सेगमेंट अच्छा लगा तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किन और किताबों के रिव्यू हमसे चाहते हैं। हम नॉन फिक्शन और पॉलिटिकल किताबों के रिव्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और दी प्रिंट को सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करिए। मैं ज्योति यादव, दी प्रिंट।